अभी हम लोगों ने चेंज किया है और अब हम जाएंगे। पहले तो हम सोच रहे थे शामली होके जाएंगे, पर अब डिसाइड किया कि नहीं, हम सीधा ही जाएंगे, क्योंकि अगर शामली होके जाएंगे फिर आगे बिजनौर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद जाते तक जाते टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इधर से जाएंगे पानीपत, सोनीपत, इधर से होके जाएंगे हम सीधा KPM होके, ठीक है ना। चले सुबह के 8:30-9 बजने वाले हैं और हम अभी चल रहे हैं, कोई ब्रेकफास्ट का नाम निशान ही, एक बार चाय पी थी शाहबाद में लड़कों ने, और अभी मैंने सोचा चलो इनको थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं, तो आज ही रेस्ट कर लें और हम उनको कोई 1-2 घंटा रेस्ट करवा देंगे। तो चले देखते हैं यहाँ पे कहीं ब्रेकफास्ट का जुगाड़ मिलता है तो रुक के खा लेते हैं, नहीं तो फिर दिल्ली रिंग रोड पे चढ़ के ही बनाएंगे खाना। फिर करते ही सोनीपत पानीपत में 4 लेन स्टार्ट हो जाती है, इसमें सिर्फ हमारे लिए ये 2 लेने हैं, इन पे हम चल सकते हैं, और अगर उस साइड जाएं ऑफिशियली वहाँ पे हमें चलान हो सकता है, तो इसलिए चलान से बचते हुए हम लोग अपनी लाइन पे चलते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं, ओवरटेक करके दोबारा अपनी लाइन में आ सकते हैं। बाकी इतना तो मालूम नहीं है, जिसको मालूम होगा वो कमेंट बॉक्स में बताना भाई हमारे लिए। दिल्ली वाला रोड हमने छोड़ दिया, अभी हम यहाँ से रिंग रोड पकड़ेंगे और सीधा चले जाएंगे खापड़ वाले रोड, वो आगे जाके खापड़ वाले रोड पर उतर जाएंगे जाके, साइड NH-44 सीधा सीधा जा रहा है, और ये रिंग रोड है दिल्ली के 9 एंट्री को पूरा बाईपास करते हुए NH-44, और वहाँ से हम हापुड़ से मुरादाबाद वो वाला रोड लेके सीधा जाएंगे भाई। भाई हम लोग EP एक्सप्रेस पे, वेलकम टू ईस्टर्न पेरिबल एक्सप्रेस वे। चले अब यहाँ पे आगे टोल आएगा, टोल पे 1-2 मिनट के लिए स्टॉप करेंगे, फिर उसके बाद सफ़र कंटिन्यू रखेंगे भाई।
एक्सप्रेसवे का फर्स्ट टोल, यहाँ पे गाड़ी इंटर करेंगे, पास देंगे, ऑनलाइन पास होगा, जहाँ भी हम जाके ये वाला रोड एग्जिस्ट करेंगे वहाँ जाके हमारा वो पास कट जाएगा और वहाँ जाके वो पता चल जाएगा कि टोल कितना होगा, उसी हिसाब से फिर टोल काट लेंगे। सामने जो बोर्ड है उस पर लिखा हुआ है नो एंट्री बट टू व्हीलर, साफ साफ लिख के रखा है उन्होंने, और अपनी वाली गाड़ी है। आपको खाने पीने का बहुत मुश्किल से मिलेगा, बहुत मुश्किल से यहाँ पे मिलेंगे जो थोड़े बहुत टायर वाले हैं तो हैं, नहीं तो उसके बाद आगे कुछ भी नहीं। रोड उतर के नीचे हपड़ वाले साहब सोकर उठ के बैठे हैं अभी। और हम लोग इस टाइम मुरादाबाद वाले रोड पे, हापुड़ पार कर लिया है और मुरादाबाद वाले रोड पे गर्मी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए हम लोगों ने अपना कर लिया भाई। अब गर्मी बहुत तेज़ हो चुकी है भाई, तो हम लोगों ने एसी जो है वो ऑन कर लिया है। देखते हैं कितने बजे तक मुरादाबाद पहुँचते हैं। वही तो अभी हम रुके हैं आके रामपुर पार करके बरेली वाले रोड पे, ठीक है, दोनों गाड़ियां लगा दी हैं साइड पे क्योंकि सुबह से हमने यहाँ पे अभी ये वाला अभी पहुँचा खाली, तो बस अब यहाँ थोड़े रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद खाना खुना खाएंगे, खाना खुना खाने के बाद निकल जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो चले करते हैं रेस्ट वगैरह, फिर खाना खाते हैं, फिर निकलते हैं। लो भाई गाड़ियां दोनों बराबर करके लगा दी हैं, ऊपर हमने आया कल की इस गाड़ी के ऊपर झंडियां लगाई है, देखो भाई कैसी लग रही है बताना, सेटिंग नहीं हुई है पूरी, अभी सेटिंग करेंगे। ये होटल है यहाँ पे शिव शंकर पंजाबी ढाबा, ये हमारे उस्ताद जी, अगले चक्कर हमारे साथ नहीं आना है, खाना नहीं खाया कल का, भूखे मर रहे हो क्या, लास्ट चक्कर है भाई हमारे साथ। ये रहा वो ढाबा यहाँ पे हम रुके हैं, शंकर पंजाबी ढाबा। खाना बन गया भाई अपना, खाना बन गया अपना, ये बंदे को भूख लगी थी ज्यादा इसलिए रोकी हमने गाड़ी, ये बंदा जो डैम्पर ड्राइवर, डैम्पर ड्राइवर से हो तो सेब भाजी राजस्थान पीना हो चुका है और अब निकलने लगे हैं यहाँ से, हमारी कोशिश यही है कि आज लखनऊ जो है वो पार करें, चलो देखते हैं होता है लखनऊ हमारा पार के या नहीं, और आपके सामने अब हम चलाएंगे भाई सोलह डायरी। भाई आ गए हैं सोलह डायरी पे, खाना खुना खा के निकल चुके हैं यहाँ से, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बोल रहा था कि हमें शाम आज मतलब रात नो एंट्री ख़त्म होने से पहले पहले लखनऊ पार करना है, ठीक है, और सोलह डायरी वाले ड्राइवर को दिए हमने रेस्ट, वो दूसरी गाड़ी में गए हैं एसी वाले रूम में सोने के लिए, और उस तो आज ही बैठे हुए हैं, अब गाना लगाएंगे, लगाओ जी चक दे फटे।
ਡੱਬਦੇ ਕਿੱਲੀ ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਮੀ ਦਿੱਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਰੋਡ ਦੇਖ ਲਓ ਮਤਲਬ ਯੂਪੀ ਮੇਂ ਰੋਡ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾੜੀ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਦੇਤੀ ਹੈ ਗਾੜੀ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ बाकी यहाँ से बरेली रह गया यहाँ से पूरा 52 किलोमीटर 52 किलोमीटर चलें मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट लोकेशन पे भाई लगातार बरेली की और एक बात है सोना डेरी गाड़ी पे बैठा हुआ ऐसे लगता है बंदा जैसे हाथी पे बैठा है तो ये गाड़ी है इधर बंदा देख लो भाई बहुत ऊंची है यार मेरी वाली गाड़ी इतनी ऊंची नहीं है इसका कारण क्या है वो इसका जो डबल फ्रंट एक्सल है आगे 14 टायरी को 3 स्प्रिंग है 3 पटे वाली घुमानी है ठीक है और उसके पीछे वाली जो उसमें 4 है इसको आगे भी 4 है पीछे भी 4 है और ये इधर ऐसे छाती चौड़ के चलता है ऐसे रोड पे जैसे कि पता नहीं क्या महाराजा आ रहा है ऐसे ऐसे ये हिसाब है भाई मजा भी आ रहा है गाड़ी चलाने में ऐसी बात नहीं आपको ऐसे लगता है कि जैसे सभी नीचे हैं जो भी कार मोटरसाइकिल स्कूटर सभी ठीक है और एक बात मानने चलती है गाड़ी चल रहे हैं भाई हम लोग इस टाइम और शाम के 5 बजने वाले हैं और आगे आगे अपनी दूसरी वाली गाड़ी ये देखो भाई अपनी 75 आगे आगे चल रही है एक ही साथ गुवाहाटी तक जाएंगे और इस गाड़ी को गुवाहाटी से आगे नौगाम जाना है और हमें गुवाहाटी में ही माल खाली करना है तो रह गया है बरेली बाईपास पार करने के बाद फिर आगे सीधा जाके गुरुद्वारे के पे रुकेंगे शाहजहांपुर गुरुद्वारा जो वहाँ पे रुकेंगे फिर वहाँ से अपना सफ़र जो है आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे जी पहुंच चुके हैं हम शाहजहांपुर पार करके गुरुद्वारे के पास और रहा सामने गुरुद्वारा साहिब अपना हो गया भाई यहाँ पे टायर वेंचर गुरुद्वारे के पास पहुंचे अंदर से नलकी शायद खराब हो गई है और साथ में करवाएंगे यहाँ पे गाड़ियों को ग्रीस वगैरह तो चलें देखते हैं शाहजहांपुर के अपना टायर हो गया पंचर भाई तो शायद नलकी से हवा निकल रही है और टायर को पंचर लगवाने गए हैं शाहजहांपुर पार करके गुरुद्वारे के सामने सामने रहा गुरुद्वारा और यहाँ पे हर एक सुविधा मिलती है ग्रीस टायर मैकेनिकल जो भी बंदा कोई भी काम करवाना चाहता है तो करवा सकते हो मज़े से आगे यहाँ पे इधर हो रहा भाई तेल पलटी दूसरी टैंकी से
क्योंकि इसमें टैंकी दूसरी लगी हुई है और ये टैंकी भी बड़ी है भाई, जम्मू से फुल करवाई थी यहाँ तक। अभी भी अगर ये चलाना चाहे तो लखनऊ तक ये एक टैंकी पहुँच सकती है। तो चलो ये तो पलटी कर रहे हैं और अपना टायर पंचर है, अपने पास एक ही टैंकी है, फिर उसके बाद सामने डीजल भी डलवाना है गाड़ी। चलो देखते हैं कब तक हमारा टायर पंचर लगता है और कब हम डीजल डालते हैं। टायर गर्म तो नहीं है इतने वैसे। अपना लग गया भाई टायर पंचर। अब चक्कर ये है कि इस गाड़ी का लिफ्ट का टायर लिफ्ट वाला है ना, एक बोल्ट टूट गया है तो वो डलवाने लगे हैं। टायर थोड़ा सा महंगा पर फिर भी डलवाएंगे। हाँ वो वाला वो देखो है ना सामने टूटा हुआ, अगर दिख रहा हो तो, एक दिख रहा है एक नहीं रहा। नहीं ये बोल्ट ओरिजिनल है या देसी है? जम्मू से चल के यहाँ तक 1000 किलोमीटर सफ़र हो गया है, मतलब कल शाम को इस टाइम चले थे तो आज इस टाइम इधर आए हुए 1 घंटा हो गया हमें रुके हुए, मतलब 24 घंटे में लगा लो 1000 किलोमीटर सफ़र किया गाड़ी ने, लगा लो हिसाब गाड़ी ने और बंदे ने, डिस्क वाले बंदे ने, देख लो हालत क्या है। ये तो ऐसे घूमने आया खाली, मजाक कर रहा हूँ भाई, मैंने कुछ नहीं, सिर्फ 2 घंटे वो वाली गाड़ी चलाई थी और 1.5 घंटा ये वाली गाड़ी चलाई है। सबको पता है ड्राइवर कैम शाम तो होते ही है, तो चलो भाई बोल्ट वगैरह डाल के फिर उसके बाद हमने सोचा कि टायर वगैरह ठंडे हो जाएंगे फिर अपना सफर जो है वो कंटिन्यू करेंगे ना। गाड़ी और ये जा रहे हैं नेपाल, एक विराटनगर जा रही है, एक विराटनगर से पहले खाली होगी, श्रीनगर मंडी से लोड हुई है जहाँ से हमने लोड की थी, पर उस टाइम हमें मालूम नहीं था क्योंकि मैंने तो देखी नहीं थी, इन्होंने हमारी गाड़ी देखी थी। तो ये भाई जा रहे हैं नेपाल, गोरखपुर से चले जाएंगे। गर्मी इतनी है ना, अपनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है भाई। बाकी रही बात डिस्क की, हल्की हल्की सी दर्द जो है वो रही है, बाकी ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो चलो देखते हैं जब तक पूरा ट्रिप करेंगे तब तक कितना फ़र्क पड़ता है हमें, क्योंकि इतनी ज़्यादा हम लोगों ने अभी तक गाड़ी भी नहीं चलाई। चलो भाई निकल चुके हैं यहाँ से, लंबा ब्रेक लेके, एक बहुत लंबा ब्रेक, एक का टायर पंचर हो गया था, दूसरे का वो लिफ्ट वाला नट टूट गया था। दोनों ने अपना काम करवा लिया, चाय वगैरह रेस्ट कर ली, चाय वगैरह पी ली और अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने मंजिल की ओर। चले मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट लोकेशन। ये रहा भाई गुरुद्वारा साहिब, यहाँ से डीजल डालेंगे हम क्योंकि जम्मू से चल के 300 लीटर की टैंकी है, देखते हैं कितना डीजल हमारी गाड़ी खाती है। 1000 से ऊपर चल गई है गाड़ी, अभी चेक करेंगे कि यहाँ आके हमारी गाड़ी में कितना डीजल पड़ता है। यहाँ पे रेट है भाई, चेक कर सकते हो आप यूपी में, 87.75 रुपये लगभग रेट है। इस पर नहीं डालना क्योंकि ये डाल के आया हुआ है जम्मू से डबल टैंकी, हमारे पास टैंकी सिंगल है इसलिए हमने यहाँ से फुल करेंगे, फिर लास्ट यूपी के लास्ट बार्डर पे दोबारा से फुल करेंगे, फिर इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। भाई जम्मू से चल के 24000 का डीजल लग गया है, सीतापुर पहुँच के, शाहजहानपुर पार करके सीतापुर, और श्रीनगर से चल के चलते हैं अभी यहाँ से डीजल डाल के और करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू, दोनों गाड़ी एक दूसरे के पीछे। वही मैं बता रहा था आप लोगों को, डीजल गुवाहाटी से चल के श्रीनगर से चल के यहाँ तक 34000 का मतलब डीजल खा गई है गाड़ी। तो चलें मिलते हैं आपसे।
यार मिला करिए। रात के बज चुकी है इस टाइम 1 बज चुका है। सीतापुर पार करके, टोल पार करके खाना खाया है और अभी करेंगे लखनऊ पार। लखनऊ बाईपास होके निकलेंगे फिलहाल, देखते हैं आगे जाके। तो दोनों गाड़ी एक साथ में, और इसी के साथ इस ब्लॉग का करेंगे हम यहीं पे एंड। मिलते हैं कल आपको एक न्यू फ्रेश ब्लॉग के साथ हमारी तरफ से।